गुड मॉर्निंग इंडिया, दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी ये कहानी काफ़ी खास है, और ये कहानी आपको कैसी लगती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। कहानी पसंद आए तो आप इस कहानी को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही दोस्तों एक बहुत ही ज़रूरी बात, इस कहानी को सुनने के लिए आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हैं, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलो अब आज की ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी रूपा की है। रूपा कहती है, मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ। मेरे घर से मेरे ऑफिस का सफ़र करीब 1 घंटे का है। इस 1 घंटे का सफ़र मैं हर रोज़ बस से करती हूँ। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा देर हो जाए, बस छूट जाए तो कार वगैरह कुछ काम से चली जाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम बस से ही सफ़र करती हूँ। खैर, ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। अभी तक मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन मेरी उम्र 28 साल है। मेरा एक बहुत दिन पहले बॉयफ्रेंड था, उसने मुझे बहुत बेदर्दी से धोखा दिया था, और इसीलिए उसके धोखे की वजह से ही मैं आगे कभी बॉयफ्रेंड बनाने का नहीं सोची और ना ही शादी करने का सोची। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी रोज़ाना की तरह चल रही थी। जब भी मैं बस से जाती तो बस में मेरी मुलाकात कंडक्टर से होती। ये कंडक्टर देखने में बिल्कुल कंडक्टर जैसा नहीं लगता, स्पेशली उसकी बातचीत करने के तरीके से ऐसा लगता कि वो काफ़ी पढ़ा लिखा है, क्योंकि वो अच्छे से नॉलेज रखने वाला हर चीज़ का था। वो देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव था। सच कहूँ तो मुझे उसे देखकर हल्की सी फीलिंग्स तो ज़रूर आती, लेकिन कुछ कहने का हिम्मत नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता कि वो शायद कुछ भी हो उसके लाइफ में, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। ऐसे ये समय गुजरता रहा और हर रोज़ मेरी उससे मुलाकात होती। एक दो दिन मैं उसे देखती और मुस्कुरा देती, सामने से वो भी मुझे देख के मुस्कुरा देता, लेकिन हम दोनों की गुफ्तगू या बातचीत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता कि उसके दिल में मेरे लिए ज़रूर कुछ होगा, लेकिन क्या इस चीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं। ऐसे ही समय गुजरता रहा, और एक बार की बात है, एक दिन मैं अपने बस से चल रही थी। उस वक्त तो मैं उस दिन सूट पहनी हुई थी, मेरा दुपट्टा थोड़ा ख़राब था। उसकी नज़र इधर गई तो मैंने अपना दुपट्टा हटा दिया, फिर वो मेरी तरफ़ देखा तो मैं उसे हल्की सी मुस्कान दे दी। शायद उसे भी पता चल गया कि ये ग्रीन सिग्नल था, मैं गुस्सा ही नहीं। उसके बाद से वो हर रोज़ मुझसे ज़्यादा ही बातचीत करने लगता, फ्लर्ट करता। एक दिन मुझे बोला कि क्या बात है मैम, आज आप बिल्कुल मुरझाई हुई हो। मैंने कहा क्यों, तो उसने कहा दूसरे दिन तो आप बिल्कुल खिली खिली रखती हो, आज देखो एकदम मुरझाई हो। उसने कहा, मैंने इस पर कहा नहीं ऐसा नहीं है। उसने कहा हाँ ऐसा तो है, मुझे ऐसा लग रहा है। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या था, और मेरी ये बात के बाद वो फिर बोला कि नहीं कुछ तो बात है। मैंने कहा नहीं नहीं कुछ बात नहीं है। उसने कहा आप इतनी खूबसूरत हो और मुरझाई भी फूल अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा अच्छा जी, आपको मेरे बारे में सब पता है, बहुत कुछ जानते हो। उसने कहा कि हाँ मैं तो आपके बारे में इतना कुछ जानता हूँ कि आप भी नहीं जानती। मैंने कहा अच्छा ऐसा बात है, तो उसने कहा हाँ ऐसा ही बात है। दोस्तों फिर हम दोनों की बहुत सारी बातचीत उस दिन हुई। उसके बाद उसने मुझे कहा कि चलिए आपका और मेरा यहीं तक था, अब मिलते हैं। फिर इतना कह कर वो बाय कह के चला गया। उसके बाद मैं घर आ गई। घर पर आके मैं उसके बारे में बहुत सोच रही थी। फेस देखा तो सच में आज फेस काफ़ी डल लग रहा था, शायद वो इसीलिए ऐसा कर रहे थे कि मैं मुरझाई हुई हूँ, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन मैं गई तो मुझे वो नहीं दिखे, मुझे बहुत खलबली सी मच गई। हमेशा तो वो रहते थे, आज क्यों नहीं रहे। मैंने देखा दूसरा कॉन्डक्टर था। मैंने कहा उससे कि आज वो भाई साहब नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि कौन, तो मैंने कहा यहाँ जो कंडक्टर रहते हैं, तो उन्होंने कहा अरे साहब। मैंने कहा वो कंडक्टर नहीं है, तो उन्होंने कहा वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, उन्हें बस जॉब में कुछ दिक्कतें हो रही थी इसलिए उन्होंने अपना बस खोल के जाते हैं, वो कंडक्टर ही नहीं करते, लेकिन पता नहीं क्यों आपसे बातचीत करते वक्त ऐसा करते हैं। मैंने उनसे इस पर कहा कि अच्छा,
फिर मैंने कहा तो ये बस उनका है? तो उन्होंने कहा हाँ ये बस उनका ही है, वो भी इस बस से सफ़र करते हैं और आपसे बातचीत करते करते जाते हैं, मैं तो यहाँ पे रोज़ाना रहता हूँ। मैंने कहा मुझे लगा कि ये उन्हीं का, शायद वो कंडक्टर ही करते हैं। इस पर वो बोले नहीं ये बस के मालिक हैं। अब मुझे समझ में आया कि क्यों वो इतने पढ़े लिखे थे, उनका ये कोई स्टार्टअप बिजनेस ही है। इस पर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला और बस आगे बढ़ गई। दोस्तों उसके बाद से दो दिन बाद वो फिर आए तो मैंने कहा क्या बात है आप दो दिन से आए नहीं थे? तो उन्होंने कहा हाँ घर पर तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा किसकी? आपकी वाइफ की? उन्होंने कहा कहाँ वाइफ, अभी तक तो मेरी शादी ही नहीं हुई है। मैंने कहा सो शैड ना? तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो है, कोई लड़की मिले तब ना, आपकी जैसी कोई लड़की मिलेगी तो मैं ज़रूर शादी करने का सोचूंगा। मैंने कहा मेरे जैसी ही? मेरे जैसे क्यों? तो उसने कहा बस अच्छी लगती हो आप मुझे। मैंने कहा तो आप मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? उन्होंने कहा मैंने आपको थोड़े ना बोला, कहा आपकी जैसी। इस पर मैं भी उसे देखकर मुस्कुराई और वो भी। दोस्तों सच कहूँ तो वो भी समझ रहे थे कि मैं भी, मतलब मेरे दिल में भी उनके लिए कुछ अब फीलिंग्स था और उनके दिल में भी कुछ फीलिंग्स था, वो एक अच्छे इंसान भी थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस दिन मैं निकलने में लेट हो गई, मुझे लगा शायद बस चली गई। मैंने देखा कि बस तो खड़ी थी और सच कहूँ बस में और कोई नहीं था। मैंने कहा ये आज बस इतना लेट? तो उन्होंने कहा बस बस की मर्ज़ी। मैंने कहा बस की मर्ज़ी या आपकी मर्ज़ी? तो उन्होंने कहा मेरी मर्ज़ी, मैं कौन होता हूँ? तो मैंने कहा बस के मालिक तो आप ही हैं। उन्होंने कहा अच्छा तो मेरे बारे में आपने बहुत कुछ पता करके रखा है। मैंने कहा अब कोई इंसान जो मेरे बारे में इतना कुछ पता करेगा तो मैं भी तो उनके बारे में पता करूँगी ना। इस पर वो कहे काफ़ी स्मार्ट हो आप वैसे। मैंने कहा वो तो मैं हूँ ही। उसके बाद मैं बस में चढ़ गई और मैं काफ़ी थक गई थी दोस्तों। उस दिन ऑफिस में काफ़ी काम था, बस से मैं सामने ड्राइवर था और पीछे हम दोनों बैठे हुए थे। उसके बाद मैं सो गई, मेरे हल्का सा नींद खुला तो मैंने देखा वो मुझे देख रहे थे। मेरा दुपट्टा थोड़ा सही नहीं था, एक पल के लिए मुझे लगा कि दुपट्टा सही करो, पता नहीं फिर दिल में क्या आया कि मैंने दुपट्टे को वैसे ही रहने दिया और मैं बस देख रही थी कि क्या वो मुझे देख रहे हैं। और फिर जब उन्होंने अचानक से ये देख लिया कि मुझे पता है कि वो मुझे देख रहे हैं फिर भी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, तो वो मुझे मुस्कान दिया और फिर उस बस में कोई नहीं था तो हम दोनों कुछ देर अच्छे से कुछ प्यार भरे पल बिताए अकेले में और किसी को पता भी नहीं चला। उसके बाद से हर रोज़ जब भी हमें बस में मौका मिलता हम दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करते, मुझे भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता, उन्हें भी। और लेकिन ना ही मैं उनसे शादी करने के बारे में सोचती हूँ ना कि वो, मुझे तो शादी से डर ही लगता है, बस उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। बस इसीलिए मैंने आपसे ये कहानी शेयर की। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी यहाँ पर हो गई ख़त्म। लेकिन एक बात कहूँ, कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे मिल जाते हैं जिनके साथ वक्त बिताना बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ ये कहानी भी वैसी ही थी। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय।